राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के विधायक हजारीलाल डांगी पर दलितों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। हजारीलाल डांगी पर दर्जन भर लोगों की करीब 84 बीघा जमीन हड़पने का आरोप है। जनसुनवाई में आए अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक का नाम सामने आते ही उन्होंने मामले को अनसुना कर दिया। मामला कमिश्नर के पास आने के बाद कमिश्नर कार्यालय से दलितों को कब्जा दिलाने के आदेश मिले, लेकिन विधायक की दबंगई के आगे सब झुकते नजर आए। पहले भी इन्होंने शिकायत की थी, सन 2002 में ये पट्टे निरस्त हुए थे। इसमें हजारीलाल जी गए थे कमिश्नर के यहाँ अपील में, अपील रिजेक्ट हुई। इसके बाद हजारीलाल जी ने उलझा रखा इन सबको रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर में, और वहां से दो फैसले 3 साल पहले हो गए इन हरिजनों के, जिनकी पावती बन गई, जिनके पट्टे वापस उनके सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ गए, ऋण पुस्तिका उनको दे दी गई। वो 2012 से इनसे कब्जा मांग रहे और ये कब्जा नहीं दे रहे। जमीन हमें पटाउदा के और काचीखेड़ के बीच में जमीन दी गई थी, जहाँ पे हाईवे नेशनल रोड भी निकल गया और उसने उस पर फसल भी बो रखी और पेट्रोल पंप भी लगा दिया गया। किसने? हजार लाल डांगी ने, वो वर्तमान का विधायक है। हमने बहुत बार शिकायत की कलेक्टर साहब को की, तहसीलदार महोदय को की, कमिश्नर महोदय को की, लेकिन आज तक भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का जो काम है, आयोग का काम है, हम सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा जो काम है, हम नियमानुसार कलेक्टर को और एसपी को भेजेंगे, कलेक्टर और एसपी जो रिपोर्ट देगा उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे।